जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी को पता है कि 4 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन माह, तो इस माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन से 11 उपाय हमें प्रयोग में लाने चाहिए और इसके साथ ही साथ इस माह में क्या करें क्या नहीं, सब की जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार स्पिरिचुअल ज्ञान पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सावन का महीना भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होने वाले सावन के महीने की शुरुआत इस वर्ष 4 जुलाई से हो रही है। श्रद्धालु इस पूरे महीने शिव जी के निमित्त व्रत और प्रतिदिन उनकी विशेष पूजा आराधना करते हैं। सावन का महीना मनोकामनाओं का इच्छित फल प्रदान करने वाला होता है। सावन के सभी सोमवार को भोले बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए मिलती है। सावन मास की महत्ता के बारे में बात करते हैं। सभी मास किसी न किसी देवता के साथ संबंधित होते हैं, जिसके तहत सावन का महीना भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ है। इस समय शिव आराधना का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि यह माह आशाओं की पूर्ति का समय होता है। सावन हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना है, जो ईसवी कैलेंडर के जुलाई या अगस्त माह में पड़ता है। इस महीने में भगवान शिव की खास पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सावन का महीना भोलेनाथ को काफी प्रिय है। इस महीने में उन्हें प्रसन्न करना काफी आसान हो जाता है। माना जाता है कि इस महीने में भोलेनाथ कैलाश पर्वत छोड़कर धरती पर विचरण के लिए आते हैं। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नागपंचमी आदि प्रमुख हैं। इस माह में पड़ने वाले सोमवार सावन के सोमवार कहे जाते हैं, जिनमें स्त्रियां तथा विशेष तौर से कुंवारी लड़कियां भगवान शिव के निमित्त व्रत आदि रखती हैं। सावन मास में क्या करें? नंबर 1, धतूरा और भांग भगवान शिव को अर्पित करें। नंबर 2, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर नियमित इसकी पूजा करें। नंबर 3, दूध का दान करें। नंबर 4, शाम के समय भगवान शिव की आरती व पूजा करें। नंबर 5, इस महीने में अगर घर के दरवाजे पर सांड या फिर बैल आ जाए तो उसे कुछ खाने के लिए अवश्य दें। बात करते हैं सावन मास में क्या ना करें। तो शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, पूजा के समय में शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 4, सावन के महीने में दूध का सेवन करना अच्छा नहीं होता, हो सके तो दूध का सेवन ना करें। नंबर 5, सावन के महीने में दिन के समय में नहीं सोना चाहिए। नंबर 6, सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। नंबर 7, भगवान शिव को केतकी का फूल भूलकर भी नहीं चढ़ाना है। बात करते हैं भगवान शिव की पूजन विधि की। भगवान शिव जी की पूजा में गंगा जल के उपयोग को विशिष्ट माना जाता है। शिव जी की पूजा आराधना करते समय उनके पूरे परिवार अर्थात शिवलिंग, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी और उनके वाहन नंदी की संयुक्त रूप से पूजा की जानी चाहिए। शिव जी के स्नान के लिए गंगा जल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग भांग घोटकर भी भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। शिव जी की पूजा में लगने वाली सामग्री में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिलपत्र, दूर्वा, फल, विजया, आक, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप व दीप का इस्तेमाल किया जाता है। सावन के महीने में प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। प्रत्येक सोमवार को गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी की पूजा की जाती है। सोमवार व्रत से पुत्रहीन पुत्रवान हो जाता है और निर्धन धनवान हो जाते हैं।
स्त्री अगर यह व्रत करती है तो उसके पति की शिवजी रक्षा करते हैं। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे प्रहर तक होता है। इस व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। सावन के महीने में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र इत्यादि शिव मंत्रों का जाप शुभ फलों में वृद्धि कर देता है। सावन के पवित्र महीने में भक्त शिवालय में स्थापित प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग या धातु से निर्मित लिंग का गंगाजल व दुग्ध से रुद्राभिषेक करते हैं। शिवलिंग का रुद्राभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इन दिनों शिवलिंग पर गंगा जल द्वारा अभिषेक करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का दुग्ध अभिषेक तथा घृत से अभिषेक करने पर योग्य संतान की प्राप्ति होती है। ईख के रस से धन संपदा की प्राप्ति होती है, मतलब गन्ने का रस, और कुशोदक से समस्त व्याधि शांत होती है। दधि यानी कि दही से पशुधन की प्राप्ति होती है और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है। सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के 11 उपाय। सबसे पहले सावन के महीने में रुद्राक्ष की माला धारण करें व रुद्राक्ष माला से शिव मंत्र का जाप प्रतिदिन करें। नंबर 2, पूजन के समय भगवान शिव को भभूत लगाएं और अपने मस्तक पर भी भभूत लगाएं, क्योंकि भगवान शिव को भभूत बहुत प्रिय है। तीसरा उपाय, सावन मास में शिव चालीसा और आरती का पाठ अवश्य करें। चौथा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। पांचवा, सावन के महीने में सभी सोमवार का व्रत अवश्य रखें। नंबर 6, प्रतिदिन बेलपत्र, दूध, शहद और जल से शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। नंबर 7, शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से आप सौम्य होंगे। नंबर 8, चीनी से शिवलिंग का अभिषेक करने से सुख और वैभव की प्राप्ति होगी और दरिद्रता चली जाएगी। नंबर 9, शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से विचार और मन दोनों पवित्र होंगे। नंबर 10, शिवलिंग का दही से अभिषेक करने से आने वाली परेशानियां दूर चले जाएंगी। नंबर 11, घी से अभिषेक करने से शक्ति बढ़ेगी और शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से आपका यश फैलेगा। सावन मास में किन बातों का रखना है विशेष ख्याल? सबसे पहले बात करें भोजन की, तो श्रावण में पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक साग इत्यादि, तेल या मसालेदार भोजन, लहसुन और प्याज, मछली और मांसाहार, मूली, बैंगन, गुड़, मीठी, ज़्यादा खट्टी और नमकीन पदार्थ, कच्चा दूध, कढ़ी, शहद और शक्कर का त्याग कर देना चाहिए। यह माह अगर इन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो हमें रोग देगा। भोजन कांसे के बर्तन में नहीं करने चाहिए। दूध का सेवन ना करें। सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर सकते हैं। दूध के बिना नहीं रह सकते हैं तो चाय पी लें, दही ले लें। दूसरा है नशा। सावन के माह में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। न पान, न सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल, किसी भी प्रकार का नशा यदि आप करते हैं तो ना करें। नंबर 3, सुबह स्नान करना नहीं भूलना है। सावन के महीने में सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लेना चाहिए, साफ कपड़े पहन लेने चाहिए। सावन पर पूरे सावन में भोलेनाथ जी को जल और बेलपत्र चढ़ाएं तो उत्तम रहेगा। सोना किस प्रकार है? तो सावन के महीने में दिन के समय पर नहीं सोना। इस पूरे महीने में आपको सिर्फ रात में सोना चाहिए, बाकी पूरा दिन शिव भक्ति में बिताना चाहिए। काम कीजिए, लेकिन हो सके तो जितनी बार याद कर सके भगवान शिव को याद कर लें। नंबर 5, शरीर पर तेल नहीं लगाना है। तेल लगाने की मनाही होती है सावन माह में। नंबर 6, विलासिता से थोड़ा सा दूर रहें। सावन महीने में तप और साधना करें, जीवन में विलासिता वाली चीज़ों से दूर रहें। गद्दे पर संभव हो तो ना सोएं, नीचे सो सकते हैं ज़मीन पर अगर आप सोना चाहते हैं या आपकी बॉडी अलाउ करती है तो। नंबर 7, मांगलिक कार्य। सावन माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए।
सभी पर रोक लगी जाती है, जैसे विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश, ये सब नहीं करना है। नंबर 8, शिव पूजा। सावन माह में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी के फूल और तुलसी वगैरह नहीं चढ़ती है। शिवलिंग के समक्ष शंख नहीं बजाना चाहिए, ताली नहीं बजानी चाहिए। नंबर 9, अतिथि। सावन माह में यदि आपके द्वार पर कोई भी आ जाए, चाहे गाय, बैल, भिक्षु, ये सभी अतिथि होते हैं, तो उनको ना भगाएं, हो सके तो उनकी जरूरत का सामान उनको दे दें। 10, अपमान। सावन माह में किसी का भी अपमान ना करें, खासकर देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान। इस माह किसी भी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जीव को किसी भी माह में भी नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन क्योंकि इसमें हम पूजा करते हैं तो विशेष ध्यान रखें। केश कतरन। इस माह में दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। नंबर 12, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। सावन के महीने में मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार या किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचें। अगर आप शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस महीने में अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान जरूर करें। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।